आपको एक अपना बिजनेस खुद का इस्टेब्लिश करना चाहिए। आप बॉक्सेस एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जितने बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे आप उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे। कोई भी आपको बिजनेस की आपको क्वेरी है या कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप IID की टीम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। कॉरुगेटेड बॉक्सेस का यूज इंडिया की कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए किया जाता है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, पेपर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, फार्मास्यूटिकल, सेरेमिक, टेक्सटाइल एंड ई कॉमर्स एक्सेट्रा। स्पेशली ई कॉमर्स और रिटेल सेक्टर में कॉरुगेटेड बॉक्सेस की डिमांड सबसे ज्यादा है। कॉरुगेटेड बॉक्सेस एक एनवायरमेंट फ्रेंडली, लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल पैकेजिंग मटेरियल है। ये 100% रिसाइक्लेबल और बायोडिग्रेडेबल है, जो इन्हें इको फ्रेंडली बनाता है और इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। इस वजह से कॉरुगेटेड बॉक्सेस का बिजनेस एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी बन गया है। इसीलिए इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप स्क्रैच से कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फैक्ट्री में कॉरुगेटेड बॉक्सेस को कैसे बनाया जाता है। जो कॉरुगेशन होती है उसमें तीन तरह की फ्लूट्स आती हैं। जो हमारी जो मशीन होती है कॉरुगेशन की, वो उसके फ्लूट्स बनाती है। तो फ्लूट में ये होता है जो आपके बॉक्सेस की जो मेन, उसे बैकबोन कहते हैं, कि वो एज अ बैकबोन वर्क करती है। तो आपको डिपेंड करता है, आपका अगर प्रोडक्ट का साइज छोटा है तो वो मिनी में जाता है। बेसिकली ज़्यादातर नैरो में प्रोडक्ट्स जाते हैं। नैरो प्रोडक्ट्स में ये होता है, नैरो की जो वो कॉरुगेशन होती है उसके बाद वो कटिंग पे जाएगी रोल। रोल कटिंग होने के बाद जब वो कट हो जाएगा तो जब पेस्टिंग करेंगे, लोग पेस्टिंग करेंगे, एक के ऊपर एक पेपर को चिपकाएंगे, उस पर पेस्ट करेंगे, फिर उसको थोड़ी देर 2 घंटे तक सुखाएंगे। 2 घंटे सूखने के बाद, गर्मियों में जल्दी सूखे, 2 घंटे सूखने के बाद वो आपका जो सारा सामान होगा वो जाएगा डाई कटिंग पे। डाई कटिंग एक मशीन होती है, वो आपके बॉक्स को उस हिसाब से डाई कट कर देगी और उसकी प्लेट लग के वो साइज के हिसाब से फिट होती है। वो ऑटोमेटिक होता है, वो डाई आएगी, कट कर देगी उसको और फिर उसके बाद वो सारे बॉक्स जाएंगे स्टिचिंग पे। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं क्राफ्ट पेपर्स, ग्लू, गम पाउडर, स्टिचिंग वायर, स्टेपल्स वायर एक्सेट्रा। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होने वाले मशीन्स एंड इक्विपमेंट है फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन, डाई पंचिंग, स्लॉटिंग मशीन, रोटरी मशीन, कॉरुगेशन मशीन, पेस्टिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, कटर मशीन एंड पंचिंग मशीन। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 800 से 1000 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड होगा, जिसमें प्रोडक्शन एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इंक्लूडेड है। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लगभग 20 से 25 लोगों की जरूरत होगी। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको 50 से 55 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो में दिखाए गए कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के सेटअप में 80 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस से आपको 15 से 20% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पर शुरू करने के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो के अंत में प्रोजेक्ट कॉस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंसेस और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होती है, जो कुछ इस प्रकार है: GST, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC फ्रॉम फायर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने आपको बताया कि कैसे आप कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे शुरू करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप भी कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IID से संपर्क करें और अपने मन चाहे बिजनेस मॉडल की जानकारी के लिए हमें कमेंट में बताएं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7408733333 और
7607655555, जहां आपको बिजनेस की जानकारी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने में भी सपोर्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज के लिए एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।